their friend within the class and some gentlemen. Today I will discuss about the lines and lines and gifts. About the lines and keep transversal of them. It's not restricted. Suppose there are two lines. One line is there and other is there. And a third line is the transversal object. That falling on these two lines, M and dear student, there are two lines and a line falling on them. Suppose that the line T and is called the transversal of them. So now pay attention. यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, अगर फाइव, सिक्स, सेवन, these are the angles. So now pay attention, please. There is an angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's an angle 1. We also write 1, 2, 3, 4, not included. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dear student, pay attention. There are so many pairs of it. पहले हम लोग लिखते हैं corresponding angle क्या है? Corresponding angle here. Pay attention. Pair of corresponding angles. If यहाँ पे pair of corresponding angles, angle one के corresponding angle five. एंगल वन कमा एंगल फाइव, ये आपका पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या है? फोर और एट, एंगल फोर एंड एंगल या कमा लगा दो एंगल थ्री। तीसरा पेयर क्या बन रहा है? एंगल टू एंड एंगल सिक्स। और अगला पेयर एंगल थ्री एंड एंगल सेवन। तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स का है। दूसरा जरा देखो, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट से पेयर और अल्टरनेट एंगल्स। एंगल थ्री के अल्टरनेट कौन है? फाइव। एंगल थ्री कॉमा एंगल फाइव। दूसरा पेयर क्या है? एंगल फोर और सिक्स। तीसरा पेयर क्या है? एंगल वन और सेवन। और चौथा एंगल टू एंड एट। नाउ पे अटेंशन, अल्टरनेट एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसका अल्टरनेट बाय द पोजीशन जरा एंगल थ्री फाइव जस्ट लुक, पे अटेंशन ऑन द पोजीशन ऑफ एंगल। एंगल थ्री एंड फाइव वन पेयर ऑफ अल्टरनेट, दूसरा फोर सिक्स, तीसरा टू एट वन सेवन, ये आपके फोर पेयर आपके। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, थ्री और फाइव दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर, दैट पेयर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर।
this angle 107 alternate exterior क्योंकि बार ये दोनों लाइनों के बीच में अंदर जो एंगल है यह तो इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल यहाँ कौन कौन है 3, 4, 6, 5 एक्सटीरियर 1, 2, 7 तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर अब जरा थर्ड वाला को इंटीरियर एंगल यहाँ पे देखो जरा दो पेयर को इंटीरियर माने इंटीरियर से चाह रहे हैं कि नहीं तो इंटीरियर एंगल उनका सेम साइड ऑफ का मतलब है नोन एज को इंटीरियर यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं पहला आपका क्या है 4 और 5 और दूसरा पेयर क्लियर अब इधर देखो जरा इन्हें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर भी बोलते हैं एलिड एंगल्स भी बोलते हैं या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल हो गई या इधर वाले देख लो चाहे इधर तो दे आर द को इंटीरियर एंगल दे आर आल्सो कॉल्ड एलिड एलिड एंगल या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इंटीरियर तो इस तरह से दैट ऑल अबाउट द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ टू टाइप्स अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स इन दिस वे दैट ऑल अबाउट द लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल अब यहाँ पे एल डब्ल्यू आपका ये होगा राइट एंड लेफ्ट पिक्चर्स इस फिगर विद द हेल्प ऑफ योर प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी बुक क्लास में ये आपको नोट्स बना देना